इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक टॉर्च के बल्ब में 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर अंकित है, ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है बल्ब का प्रतिरोध, दूसरा पॉइंट है बल्ब की शक्ति, तीसरा पॉइंट है एक घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभोक्त ऊर्जा या व्यय ऊर्जा। जो भी हमने एक घंटे बल्ब को जलाया उसमें जो ऊर्जा खर्च हुई वो हमें इसमें बतानी है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट इसमें हमारा 1 नंबर का है और ये क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम में आ भी चुका है। तो अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो ये 3 नंबर आपके लिए फ्री के है और आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है। आप 3 नंबर की थ्योरी लिखेंगे, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को कर देंगे और आपके 3 नंबर भी पक्के हो जाएंगे और आपको इसमें ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। अब जिन स्टूडेंट को फॉर्मूले नहीं पता वो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपके भी 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को कराने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें वोल्टेज दे रखी है यहाँ पर 5 वोल्ट और हमें बल्ब में प्रवाहित धारा दे रखी है I बराबर 500 मिली एम्पियर। तो पहले जो हमें धारा दे रखी है ये हमें दे रखी है मिली एम्पियर में, तो हम इसको पहले एम्पियर में चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको पता होगा कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ कि 1 मिली एम्पियर हमारा बराबर होता है 10^-3 एम्पियर के। तो आप इसको फॉर्मूला समझकर कहीं पर नोट कर ले, ये आपके बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर धारा को चेंज कर लेते हैं एम्पियर में। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि धारा I बराबर 500 × 1 मिली एम्पियर, क्योंकि वहां पर हमें दे रखा था 500 मिली एम्पियर। तो 500 में अगर हम 1 की मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी हमारा 500 आना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। और हमें पता है कि 1 मिली एम्पियर हमारा कितना होता है 10^-3 एम्पियर के, तो हम यहाँ पर 1 मिली एम्पियर की जगह लिख देंगे 10^-3 एम्पियर, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर हमारा चल ही रहा है 500 और इंटू में 10^-3, इसको हम अपॉन में ले आएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो 10^3 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 1000, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5/10, 10 से हम 5 पर भाग कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास धारा आ जाएगी I बराबर 0.5 एम्पियर। अभी हमारी एम्पियर में है, अब इसको हम सीधा किसी भी फॉर्मूले में लगा सकते हैं, वरना हमें हर फॉर्मूले में इसको पहले चेंज करना पड़ता। अब इस क्वेश्चन में हमें वोल्टेज भी दे रखी थी और यहाँ पर हमने धारा को भी चेंज कर लिया एम्पियर में। अब हम देखते हैं इसके पहले पॉइंट को, यह हमारा इसका पहला पॉइंट। इसमें हमें निकालना है बल्ब का प्रतिरोध जो कि होता है हमारा कैपिटल R। अब इसके लिए आपको ओम का नियम पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर IR। अब हमें यहाँ पर R की वैल्यू को निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास I मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा R बराबर V अपॉन I, और इन दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। V बराबर दे रखा है हमें 5 वोल्ट और धारा को अभी हमने चेंज करा था एम्पियर में, जो कि आई थी हमारे 0.5 एम्पियर। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ा लेंगे और हम यहाँ से 5 से 50 को काट देंगे 10 बार, तो ये जो हमारा प्रतिरोध आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 ओम, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अब, तो ये हमारा आ जाएगा 10 वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को बोलते हैं हम ओम, और जो हमारा प्रतिरोध होता है उसका मात्रक भी हमारा ओम ही होता है, ठीक है। तो आप 10 वोल्ट प्रति एम्पियर तक भी छोड़कर आ सकते हैं या आप 10 ओम भी लिख करके आ सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मात्रक के चक्कर में आपके नंबर कट जाते हैं। तो ये पहले पॉइंट का आंसर हो गया। अब देखते हैं हम इसके सेकेंड वाले पॉइंट को, यह इसका दूसरा पॉइंट। इसमें हमें निकालनी है बल्ब की शक्ति जो कि होती है हमारी P, और इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है P बराबर V इंटू I।
दोनों की वैल्यू पता है, आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5 × 0.5 और इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 2.5 और यहां पर मात्रक हो जाएगा बोल्ट इंटू एम्पियर जो कि हमारा होता है वाट, और जो हमारी शक्ति होती है उसका मात्रक भी हमारा वॉट ही होता है। ठीक है, तो दोनों में से आप आंसर में कुछ भी लिख करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर बल्ब की शक्ति कितनी हो जाएगी, P बराबर 2.5 वाट। तो अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो आपके आराम से नंबर भी पक्के हो जाएंगे और एग्जाम में टाइम भी बचेगा। अब देखते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट को, यह है इसका थर्ड पॉइंट, 1 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभोक्त ऊर्जा जो कि होती है हमारी कैपिटल ई, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, उपभोक्त ऊर्जा ई बराबर पी इंटू टी। अब पी की वैल्यू शक्ति हम निकाल चुके हैं और टी हम कितने समय के लिए जला रहे हैं, यहाँ पर 1 घंटे के लिए, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 आवर। और यहाँ पर 1 घंटे की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो यहाँ पर वो आवर को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर आप देख लेना जितना भी आवर हो उससे आप मल्टीप्लाई कर देना। अब हम यहाँ पर P और T की वैल्यू को रख कर इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और मात्रक का ध्यान रखना, इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी 2.5 वाट और यहाँ पर जो हमारे पास T की वैल्यू दे रखी थी वो थी हमारे पास 1 आवर। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई भी करेंगे आपस में तो यहाँ पर हमारे पास 2.5 ही आएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाट इंटू आवर। अब जो हमारे पास ऊर्जा होती है उसका मात्रक होता है हमारे पास जूल, तो हम इसको जूल में चेंज कर लेंगे। अब जूल में चेंज करना आपको आना चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना, 1 वाट आवर बराबर होता है 3600 जूल। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है 2.5 वाट इंटू आवर, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.5 × 1 वाट आवर, तो 1 वाट आवर की जगह हम लिख देंगे 3600 जूल और हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 की और 3600 की, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारे पास 9000 जूल। तो जो हमारे पास बल्ब है अगर हम उसको 1 घंटे तक जलाते हैं तो उसके द्वारा जो व्यय ऊर्जा होगी, उपभोक्त ऊर्जा होगी, वो E बराबर कितनी हो जाएगी हमारे पास 9000 जूल। तो आप इसके आंसर को जूल में भी लिख करके आ सकते हैं और वाट इंटू आवर में भी लिख करके आ सकते हैं, तो किसी भी मात्रक में आप इसको लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। छोटे छोटे से हमारे डेफिनेशन के खाली फॉर्मूले थे जिनके ऊपर हमें ये क्वेश्चन दिया गया था। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाएं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। इसकी अपेक्षा अगर कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आता है थ्योरी में, अगर आप उसको पूरा भी करके आएंगे तो उसमें भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएं। और अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो, चाहे वो हमारे 1 नंबर वाले हों, 2 नंबर वाले हों, या फिर 3 या 4 नंबर वाले हों, तो मैंने इनकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही मिल जाएंगे जो कि हर साल ज़्यादातर आते रहते हैं। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।